ये कहानी एक ऐसे इंसान के जज्बे की है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जिसकी कोशिशों से अनगिनत विकलांगों के जीवन में पूर्ण रूप से बदलाव आया, जिसकी वजह से गुजरात का हर विकलांग अपने पैरों पर खड़ा हो सका है। गुजरात के खेड़ा जिले के छोटे से गांव अडास में 17 मई 1956 को कनू टेलर का जन्म हुआ। बचपन में कनू टेलर पोलियो का शिकार हुए। गांव की स्कूल में अपने शरीर को घसीटते हुए कनू टेलर जब जाते तो बच्चे उनका मजाक उड़ाया करते। कुत्तों से बचने के लिए वह अपने पास पत्थर रखा करते थे। किशोर अवस्था में पहुंचे तब यह जिल्लत और लाचारी भरे जीवन को समाप्त करने का उन्होंने निर्णय कर लिया। कनू टेलर ने नींद की बहुत सारी गोलियां ले ली, लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। वे बच गए। कनू टेलर के हाथों अनगिनत विकलांग लोगों का उत्थान जो लिखा था, उस नए जीवन के साथ ही उन्होंने विकलांगों के लिए कुछ करने का जज्बा बना लिया। प्राथमिक शिक्षा गांव में लेने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में कॉलेज के दूसरे साल तक अभ्यास किया। इस दौरान उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। अपंग मानव मंडल के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने 1979 में राज्य के सभी विकलांगों को सरकारी बसों में मुफ्त सवारी की सुविधा देने की जोरदार मांग की। अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए वे अनशन पर उतर गए। 11 दिन के बाद सरकार झुक गई और पूरे राज्य के विकलांगों को मुफ्त बस सवारी का लाभ मिलना शुरू हुआ। यह उनकी पहली जीत थी। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। 1985 में कनू टेलर सूरत आए। कमाने का जरिया ढूंढ रहे कनू टेलर उस दौरान फुटपाथ पर भी सोए। सूरत में क्रिप्को के तत्कालीन डायरेक्टर श्रीमान एचएस कोहली ने कनू टेलर का हाथ थामा। उनकी प्रेरणा से टेलर ने विकलांग बंधु प्रिंटिंग प्रेस शुरू की। इस प्रिंटिंग प्रेस की खासियत यह थी कि इसमें काम करने वाला हर कर्मचारी विकलांग था। तो सूरत में 1985 में मैंने एक प्रिंटिंग प्रेस चालू किया। सोचा कि मेरे जैसे तो बहुत विकलांग लोग हैं, उसको क्यों उसमें शामिल नहीं किया जाए। तो 85 से मैंने पहले ही दिन से मेरे वहाँ 10 विकलांग बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दिलाना चालू किया, जिसमें कंपोज बाइडिंग और बुक बाइडिंग ट्रेडिंग चलाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कनू टेलर ने इस तरह अपने जैसे कई विकलांगों को अपने पैरों पर खड़ा होना और आत्मनिर्भर होना सिखाया। इस मकाम पर पहुंचने से पहले कनू टेलर कई कीर्तिमान बना चुके थे। 1979 में यूनो द्वारा जिनेवा में मिली वर्ल्ड मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किए गए वे पहले भारतीय थे। कॉन्फ्रेंस में कनू टेलर द्वारा भारत का मजबूत प्रतिनिधित्व किया गया। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 1981 की साल को ईयर ऑफ फिजिकली हैंडीकैप के रूप में मनाया। 1982 में अमेरिका में नेशनल सोसाइटी फॉर हैंडीकैप द्वारा हुई कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन श्री कनू टेलर द्वारा करवाया गया। टेलर अब स्थानीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय फलक पर विकलांगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। विकलांगों में उम्मीदें और बढ़ गई। 1990 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर के हाथों कनू टेलर को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। प्रेसिडेंट बुश कनू टेलर से प्रभावित हुए और उन्होंने व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन की कुर्सी पर टेलर को बैठाया और उनका बहुमान किया। 1992 में अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट के मायामी शहर में जूनियर चैंबर्स द्वारा अपने क्षेत्र में खास प्रदान करने वाले 10 व्यक्तियों का आउटस्टैंडिंग यंग पीपल का अवार्ड दिया गया। इनमें से एक कनू टेलर भी थे। 1993 में कनू टेलर सूरत के लायंस क्लब मिडवेस्ट के पहले विकलांग प्रमुख बने। लंदन की टूर पर गए कनू टेलर को ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर से मुलाकात करने का मौका मिला। यहाँ पर वर्ल्ड हैंडीकैप ऑर्गेनाइजेशन ने उनको 1,00,000 पाउंड की धनराशि दान के रूप में दी, लेकिन यह धनराशि का कनू टेलर ने पूरी विनम्रता के साथ अस्वीकार किया। देश विदेश में कनू टेलर को सम्मानित करने का जैसे सिलसिला शुरू हो गया था। 1991 में कनू टेलर ने सूरत शहर और आसपास के विकलांगों की सेवा करने के लिए डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की। इस ट्रस्ट के द्वारा कनू टेलर विकलांगों के लिए स्कूल बनाना चाहते थे। उनका यह सपना पूरा हुआ 1997 में।
स्थानीय प्रशासन ने एक स्कूल के 10 कमरे दिए और वहाँ सिर्फ 4 विकलांग बच्चों से पाठशाला की शुरुआत हुई। शहर की झोपड़पट्टियों में जाकर विकलांग बच्चों के माता पिता को समझाया गया और इस तरह छात्रों की संख्या बढ़कर 118 हो गई। सूरत शहर ने कनू टेलर के इस ज्ञान यज्ञ को सराहा और दान का जैसे एक प्रवाह शुरू हो गया। सभी बच्चों को यहाँ मुफ्त शिक्षा और खाना दिया जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें घर से लाने ले जाने के लिए स्कूल बस की सुविधा, किताबें, स्कूल बैग भी उपलब्ध करवाए गए। सन 2000 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 18 कमरों के साथ बेहतर जगह दी, जिसमें छात्रों की संख्या बढ़कर 400 हो गई। उधर सम्मान का सिलसिला भी जारी रहा। राजीव गांधी फाउंडेशन के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी कनू टेलर का सम्मान किया। गुजरात सरकार ने भी उन्हें बेस्ट एम्प्लॉयर, बेस्ट पर्सन और गुजरात गौरव जैसे अवार्ड देकर सम्मानित किया। 1997 में उन्हें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के हाथों नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। श्री कनू टेलर को 40 से भी ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। सन 2006 में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कनू टेलर को 4500 स्क्वायर यार्ड जमीन निशुल्क दी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत ने रखी नींव की पहली ईंट। ऐसे अपाहिज व्यक्तियों की सेवा करने में उनको जितने भी सहायता की आवश्यकता होगी उस सहायता की पूर्ति होगी। और ये समझे कि हम जो हम अपाहिज हैं, आपको मालूम है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ये अपाहिज था। आधुनिक डिजाइन के साथ और विकलांगों की शारीरिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस स्कूल का निर्माण बड़ी तेजी से किया गया। यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा भी है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर, फिजियोथेरेपी सेंटर और खास विकलांग मैरिज ब्यूरो जैसी सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। आज स्कूल में 415 बच्चे पढ़ते हैं। उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हर साल प्रत्येक विद्यार्थी के नाम पर 1000 से 1500 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाए जाते हैं। भारत में गुजरात एक ऐसा पहला राज्य है जहां सिर्फ विकलांगों के लिए 1 से 12 तक का स्कूल चल रहा है और जिसमें भी कनू भाई का बहुत बड़ा योगदान है। इस स्कूल में पढ़े बच्चों में से आज कई डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट बन चुके हैं। बहरहाल कनू टेलर का सपना अभी पूरा नहीं हुआ। विकलांगों के इलाज और ऑपरेशन के लिए स्कूल के आंगन में ही एक बड़ा आधुनिक अस्पताल बनाने का ख्वाब उन्होंने देखा। बस जहां चाहा वहां रहा। मुंबई के पीएन हरियाणी फाउंडेशन ने 5 करोड़ रुपए का दान कर अस्पताल बनाने का जिम्मा उठाया। आज यहां सभी प्रकार के मेडिकल साधनों, ऑपरेशन थिएटर से लैस आधुनिक प्रभु जनरल हॉस्पिटल बन चुकी है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अस्पताल का उद्घाटन किया। कल कुदरत की मजाक के सामने हार मानकर जीवन समाप्त करने जा रहे कनू टेलर ने अपने जज्बे से आज अनगिनत विकलांग लोगों का जीवन बदल दिया है। हालांकि कनू टेलर अभी भी ना ही थके हैं ना ही रुके हैं। वैसे व्यक्ति हैं जो मंजिलें पाने के बाद भी नई मंजिलें और उसके नए रास्ते भी तलाश लेते हैं। श्रीमान कनू भाई टेलर का सम्मान भारत की संवेदनापूर्ण विरासत का सम्मान है। श्री कनू भाई स्वयं भले विकलांग रहे हो, लेकिन वो समाज की विकलांगता दूर करने में बहुत बड़ी मात्रा में योगदान दे रहे हैं।